दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शेखावत, ग्राम परलोली बड़ी सीकर से। आज मैं आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताने वाला हूं जो ग्राम परलोली बड़ी के अंदर है। इस संस्था के अंदर सभी प्रकार की जो पीड़ा है, प्रेत बाधा है, ये आपको दूर करने के लिए यहां पे हमारे महाराज काकुसा महाराज रतु सिंह जी शेखावत ग्राम परलोली बड़ी हर प्रकार का शरीर पर से प्रेत बाधा ओपरी पराई का इलाज यहाँ पर होता है। ये राजस्थान के अंदर सालासर रोड पर ग्राम परडोली बड़ी के अंदर हमारे महाराज का जी महाराज का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर प्रेत बाधा, कैसी भी प्रेत बाधा हो, इसका निवारण किया जाता है। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप एक बार इस मंदिर प्रांगण में आएं और परडोली धाम के अंदर विराजमान हमारे गोमा जी महाराज, जो कि सभी कष्टों को दूर करते हैं, एक बार गोमा जी महाराज के मंदिर में आकर अपने कष्टों को मिटाएं। देखिए, ये प्रवेश द्वार है महाराज, मेन द्वार, इसके अंदर मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये हमारे महाराज का मंदिर है जिसमें भी निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर हमारे प्रजन जी गंगा जी महाराज मूर्ति है। ये देखिए, ये हमारे भुवनेश्वर महादेव भजन जी भगवान जी महाराज की मूर्ति है। दर्शन कर लीजिए, दर्शन मात्र से आपके जो कष्ट हैं वो दूर होंगे। अब मैं आपको पूरे मंदिर की ओर विवरण दिखाऊंगा, इसमें अभी निर्माण कार्य चल रहा है। पूरे मंदिर में आपको मैं घुमा के दिखाऊंगा। ये भक्तों के लिए भजन, जो भी भक्त आते हैं यहाँ पर उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जिसके लिए यहाँ पर भजन का ये स्थान बनाया गया है। ये हमारे मंदिर के भक्त महाराज के चरणों में सेवा देने वाले भक्त भक्त सिंह जी शेखावत हैं, जो कि इस मंदिर को संभालते हैं और देख रेख करते हैं। अपनी तरफ से जो सेवा होती है वो करते हैं। अभी मंदिर के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है कि हमारे मंदिर के अंदर सभी देवताओं के मंदिर हैं। दूसरा प्रवेश द्वार है जिसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। मानव कल्याणकारी संस्था राधा कृष्ण की बड़ी प्यारी सी मूर्ति, देखिए आपको मैं ले चलता हूँ मंदिर के अंदर।
जय श्री राम। देखिए राधा कृष्ण जी महाराज साक्षात यहाँ विराजमान है, उनके दर्शन कर लीजिए। ये भूमेश्वर महाकालेश्वर का मंदिर है, यहाँ से आपको पूरा गांव का दृश्य दिखाई देगा। ये भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ से आप पूरे गांव को एक बार देख सकते हैं। सलास रोड के ऊपर ये पडोली धाम है, धाम पर आने से सभी प्रकार के जो वादा हैं, एक वादा है किसी प्रकार का जो कष्ट है वो दूर होता है। चलिए आपको मैं ऊपर लेके चलता हूँ भोलेनाथ के मंदिर में। Thank you.